हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका इस ड्रामा के सेकंड लास्ट पार्ट में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ट्रैफिक लगे रहने की वजह से गो को एंजी के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो चुपचाप इस तरीके से उसके इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठता है और वो उसे लेकर के जाती है। वो ऑफिस के बाहर पहुँच जाता है, एंजी उसे पार्क करने के लिए जाती है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। दोनों ने काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया था और वो एक अमीर लड़की से शादी करने वाला था। वो दोनों यहाँ पर मिलते हैं एंजी के साथ, तो एंजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो गरीब की गरीब ही रह गई। एंजी उन्हें इग्नोर करने का कोशिश करती है, लेकिन वो लोग कल इंगेजमेंट कर रहे होते हैं तो उसे इन्वाइट करते हैं। अब एंजी यहाँ पर उनका मुँह तोड़ जवाब देना चाहती थी, इसी वजह से वो इनकी इंगेजमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती थी। ऑफिस जाकर के सोच रही थी कि वो अकेले तो जा नहीं सकती है। वो अपने फ्लैश अभी को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता। तभी यहाँ पर गो आता है, एंजी से पूछता है क्या हुआ। एंजी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसे उसके एक्स के इंगेजमेंट में जाना है, बट वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही है और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, शायद वो कल ज़्यादा ही बिजी है। वो कहता है मैं कल फ्री हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकता हूँ। एंजी कहते हैं नहीं नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत समझ रहे, मुझे आपसे इतना ज़्यादा फेवर नहीं लेना है। ऐसा कहते हुए वो गो को अपने साथ लेकर के जाने के लिए मना कर देती है। तो अगले दिन एंजी उस पार्टी में पहुँचती है। यहाँ पर ये दोनों उसे यहाँ पर अकेला आते हुए देख करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से सच में किसी ने शादी की है? कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? एंजी कहती है मेरा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही बिजी है और तुम दोनों को निपटाने के लिए तो मैं ही अकेले काफ़ी हूँ। वो दोनों यहाँ पर उस पर हंस रहे थे, तभी वहाँ पर क्यू भी आती है। क्यू इनकी कॉमन फ्रेंड थी। वो यहाँ पर एंजी को देख करके उसको ऑफिस में मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे ये तो बस एक नॉर्मल क्लर्क का काम करती है, इतनी हाई फाई पार्टीज में तुमने इसे बुला कैसे लिया, यहाँ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। वो जानबूझ करके उसको इंसल्ट कर रही थी। एंजी कहती है हाँ कम से कम मैं किसी का डिज़ाइन तो चोरी करके नहीं ये करती ना। अब गुस्से में वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गो एंट्री लेता है। अब गो एक्चुअल में मिस्टर गो है, उनकी कंपनी का मेन बॉस। ये तो सिर्फ यहाँ पर क्यों और एनजी को ही पता था और सारे इन ढक्कनों को पता नहीं था, तो वो लोग यहाँ पर गो को एक नॉर्मल बंदा ट्रीट कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर एनजी का बॉयफ्रेंड बनकर के आया था तो सब एनजी के साथ साथ उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। ओह तो तुमने यहाँ पर एक्टर हायर किया है इस तरीके से रिच सीईओ बनने का? तुम्हारी जैसी लड़कियों को इतना बड़ा बॉस का भी प्यार भी कर सकते हैं क्या? तुम लोग ना मिडिल क्लास से रहना डिजर्व करते हो, ऐसे ऐसे करके वो लोग उसका बहुत ज़्यादा ही वाला इंसल्ट कर रहे होते हैं। लेकिन गो को इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा आता है और वह तुरंत ही यहाँ पर उस लड़के के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि वो फेंक रहा है, लेकिन जैसे उसे कॉल आता है तो उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में गो कोई अरग अरग नहीं है। साथ ही में यहाँ पर क्यों भी उन्हें बताती है कि वो इनके कंपनी का बॉस है और उनसे पंगा लेकर के गलती कर रहा है। अब जब उन्हें ये बात पता चलता है तो वो घुटने का बल होकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उन्हें कहाँ माफ़ करने वाला था, उन लोगों ने एंजी को जो ऑफेंड किया था। फिर वो एंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। एंजी उसे साइड में लेकर के जाते हुए वैसे तो थैंक्स कहती है, लेकिन साथ ही में बहुत से कहती है वो दोनों मैरिड है और इस तरीके से पब्लिक में वो लोग सबको ये नहीं दिखा सकते कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। खैर आज उसका हेल्प करने के लिए थैंक, जो मजा वो अपने एक्स को चखाना चाहती थी उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन आज के बाद हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उससे बात करने के लिए क्यू आती है और वो उसे कहती है कि एंजी में ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे प्यार हो गया, वो तो रिच फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती है, वो तो मेरी जैसे बिल्कुल नहीं है। गो कहता है वो तुम्हारी जैसे नहीं है इसीलिए तो मुझे उससे प्यार हुआ और ये मेरा पर्सनल लाइफ का मैटर है, अगर तुमने दोबारा उसे परेशान करने का कोशिश किया तो वो इस शहर में रहना तुम्हारा मैं दुल्हन कर दूंगा, ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही क्यू अब एंजी को छोड़ने नहीं वाली थी। गो अपने लॉयर को कॉल करके डांट लगाते हुए डाइवोर्स की प्रोसीजर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए बोलता है। उसका लॉयर तो रन थी उन डाइवोर्स पेपर को लेकर के एनजी के पास पहुंच जाता है। एनजी उन पेपर्स पर साइन करने वाली थी लेकिन उसने उस पेपर को पढ़ा नहीं था, इसी वजह से वह कहती है कि वो कल इन पेपर्स को पढ़ करके साइन करके उसे दे देगी। उसका लॉयर कहता है देख बहन इस पर सिग्नेचर करके दे देना नहीं तो इस पर मेरी जॉब जाएगी। एनजी कहती है हाँ ठीक है, वो पेपर जल्द ही लौटा देगी।
अगले दिन हम लोग देखते हैं कि क्यों पहुंच जाती है गो के मॉम के पास, और वो यहाँ पर एनजी के खिलाफ उन्हें भड़काते हुए कहती है कि उनका बेटा गो किसी गरीब लड़की उन्हीं के ऑफिस के क्लर्क के साथ अफेयर चला रहा है। अभी बात सुनते हैं उसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है, साथ ही में क्यों ने एनजी के खिलाफ काफ़ी सारी झूठ झूठ बातें यहाँ पर गो की मॉम को बता दी थी। तो अगले ही दिन वो क्यों के साथ पहुँच जाती है ऑफिस में। एनजी कौन है पता करने के बाद वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पटाने की, तुम्हारी जैसी एक नॉर्मल क्लर्क इस कंपनी के बॉस की बीवी बनेगी, तुमने सोच भी कैसे लिया। एनजी कहती है देखिए मैम आप चाहे जो भी हो, पहली बात आप इस तरीके से मेरे कैरेक्टर पर लांछन नहीं लगा सकती है, मेरा आपके बेटे के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, आपको मुझ पर भरोसा तो होगा नहीं तो क्यों ना आप अपने बेटे को ही बुला करके पूछ लें। इस जवाब से गो के मॉम को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और उससे और ज़्यादा उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। एनजी को वो जॉब तक से फायर करने के लिए बोल देती है। एनजी कहती है मैंने ऑफिस में कोई गलती नहीं की है जो आप लोग मुझे जॉब से निकाल सकते हो, और गो इस कंपनी का बॉस है, हक सिर्फ उसे ही है। तभी वहाँ पर गो आता है, उसकी मॉम को लगा नहीं था कि गो यहाँ पर आ पाएगा, इसी वजह से वो इस समय पर आई थी जब वो बाहर मीटिंग कर रहा था। गो यहाँ पर आते ही समझ जाते हैं कि क्यों ने उसके मॉम को भड़काया है एनजी के खिलाफ, इसीलिए वह सारा गुस्सा यहाँ पर क्यों पर ही निकाल देता है। वो कहता है तुम नहीं सुधरने वाले, उसे खींच करके एक चापड़ लगाता है और कहता है ये थप्पड़ तुम लाइफ टाइम याद रखोगे और दोबारा मेरे पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। साथ ही वो अपनी मॉम को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है उसके और एनजी के बीच में वो आने की कोशिश ना करें। सबके सामने ऐसा झापड़ खा के क्यों को जो बेइज्जती होती है कि बस पूछो ही मत, ऑफिस में तो उसका मजाक सा उड़ जाता है। बड़ा खुद को यहाँ पर गो की गर्लफ्रेंड बोलते फिरती थी और यहाँ पर सबके सामने ऐसे चाटा खा करके उसका मुँह ही बन जाता है। एनजी को से कहती है सॉरी मेरी वजह से आपकी फैमिली से आपकी लड़ाई हुई, लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी अगर यहाँ पर किसी को इस तरीके से स्लैंडर करने का कोशिश करेगा तो उसे सपोर्ट ज़रूर करेगा। एनजी कहती है हाँ ठीक है आपने मेरा हेल्प किया, लेकिन मुझे लगता है आपको अपनी मॉम को जाकर के समझाना चाहिए कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो गो से कहता है उसे इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करे। अब यहाँ पर इतना जो कुछ मेंटल टॉर्चर एनजी को झेलना पड़ा था, इस वजह से गो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है। एनजी यहाँ पर वॉशरूम जाती है तो गुस्से में आकर के गो सोचता है उस लड़की से मुझे डिवोर्स ले ही लेना चाहिए। वो डायरेक्ट ही अपने वाइफ को कॉल करता है तो यहाँ पर उसको एनजी का कॉल लगता है। अब वो उसका ये देख करके समझ जाता है कि एनजी ही तो उसको फ्लैश वाइफ है जिसको कि उसकी ग्रैंड मदर ने चूज किया था, और अब वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एनजी को पसंद भी करने लगा था और वही उसकी वाइफ निकले। अब भला उसे क्या ही चाहिए, वो तुरंत ही कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर एनजी आती है, वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं तुम्हारा फ़ोन बज रहा था। जब यहाँ पर एनजी वो फ़ोन चेक करती है तो कहती है यही मेरा फ्लैश हस्बैंड है जो कि कभी काम पर सामने तो रहता नहीं, और ऊपर से मुझे कह रहा था कि मैंने चीटिंग किया है, मैंने उसे कब चीट किया। बात बात में उसे बताती है कि एक्चुअल में उसके घर पर आई हुई उसकी कज़न अपने बेटे को लेकर के। अब गो को लगने लगता है कि उसने तो गलत यहाँ पर एनजी को समझ लिया, ऊपर से एनजी के बातों से उसे पता चलता है कि वो गो को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है। और फिर सी बात है वो उसे अभी तो नहीं बता सकता है कि वो उसका हस्बैंड है जब तक वो उसके सामने अपनी थोड़ी सी और अच्छी इमेज नहीं बना लेता है, इसीलिए फ़िलहाल वो चुप रहने में खुद की भलाई समझता है। अगले दिन वो ऑफिस में सोच रहा था कि वो एनजी को किस तरीके से बताए कि वही उसका फ्लैश हस्बैंड है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर गो की मनोदशा को समझ जाता है। वो कहता है बॉस मेरी तबीयत खराब है, मुझे ना कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, लेकिन आपको तो बिजनेस ट्रिप पर जाना है ना, आप कैसे जाओगे। अच्छा एक काम करता हूँ मैं ना एनजी से पूछता हूँ, अगर उसका टाइम खाली होगा ना तो वह उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर ज़रूर निकल लेगी। गो कहता है तुम तो मेरे साथ रह रह के काफ़ी टैलेंटेड हो गए, तुम्हारा इस मंथ का बोनस मैं डबल करता हूँ, जाओ जाओ एनजी से बात करो। अब उसका सेक्रेटरी घुस गो घुस इधर एनजी से बात करने पर वो गो के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, और ड्रामा का सेकेंड लास्ट पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या गो और एनजी एक हो पाते हैं या फिर बहुत सारी परेशानियां अभी उनके लाइफ में बाकी है। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के लास्ट पार्ट में।